देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। बहुत अच्छी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री व्यासपीठ पे से लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करते आ रहे हैं, है कि ना चाहिए? अब उनको पता नहीं, मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र गया का वो समाप्त हो तो राष्ट्र समाप्त कब हुआ? पूरे वर्ल्ड में इसको हिंदुस्तान कहलाया जाता है, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। जबरन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के, कुछ परसेंट लोगों को संतुष्ट करने के लिए इस तरह की बातें होती है बस। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के बार बार दिए जा रहे बयान को लेकर प्रसिद्ध संत और महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी का बड़ा बयान। उनको पता नहीं है हिंदू राष्ट्र समाप्त कहां हुआ है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान था और रहेगा। वे जबरन कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए इस तरह की बातें होती हैं। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव की पुण्यतिथि पर भक्ति दिवस के आयोजन में पहुंचे थे बोरावा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने पिता की पुण्यतिथि पर साधु संतों को किया था आमंत्रित। राजनीति में धर्म के प्रवेश पर उत्तम स्वामी का दावा, संत का काम आशीर्वाद देना, चुनाव लड़ना या पद के लिए भागना नहीं, संत को संदेश देना, संस्कार देना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी हमेशा परंपरा रही है कि अपने गुरु संत के चरणों में दशरथ जी महाराज तक निज दुख सुख गुरु ही सुनावा, तो हर एक कार्यों में कहीं ना कहीं गुरु के चरणों में रहना चाहिए। तो आपको हमेशा संस्कार सद्बुद्धि, अरुण भैया के अंदर तो हमेशा, सुभाष जी में जानता हूँ, मेरे पास कई बार आते थे सुभाष जी, तो हमेशा ये ही एक प्रमाणित है कि कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, अपने गुरु के शरणांगति रहने से शांति मिलती, समृद्धि मिलती, सफलता मिलती, उसके लिए रहना चाहिए। विश्वास ये आज इतने एकत्रित होना, ये विश्वास का प्रमाण है। जो स्वार्थी तो अपने आप भाग जाते हैं, लेकिन उनके प्रति जो विश्वास है समाज का, हर एक व्यक्ति का, क्षेत्र का, हर एक जाति का, हर एक वर्ग का जो विश्वास है, उसका ही प्रमाण हम सब एकत्रित हो गए। जो धर्म का, धर्म के राजनीति में जिस प्रकार से दिनों दिन प्रवीण बढ़ता जा रहा, आप क्या मानते हैं, सोचते हैं सनातन पे बेहद कुछ नहीं? अब धर्म अगर मैं कहूँ तो धर्म तो कोई ये जो संप्रदाय चला रहे, राजनीति में संप्रदाय नहीं होना चाहिए। मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि आप अपने जीवन में धर्म से उठकर या धर्म को उठाकर राजनीति करिए। आप अपने क्षेत्र में, धर्म एक अलग विषय है, धर्म की परिभाषा सबको समझने की जरूरत है, धर्मों के ऊपर ये चर्चा का विषय है। धर्म क्या है? वस्त्र थोड़ी है। किसी भी व्यक्ति को मुझे लगता है कि धर्म समझाने की बहुत जरूरत है, इसलिए धर्म से उठकर राजनीति करिए, राजनीति से उठकर धर्म करिए। संत लोग भी राजनीति करते हैं, राजनीति में आ रहे हैं? संतों को तो मुझे लगता है कि नाव में पानी या पानी में नाव। संत आशीर्वाद देने के लिए है, संत चुनाव लड़ना, कोई पद के पीछे भागना, ये संत का काम नहीं है। संत का काम है संदेश देना, संस्कार देना, सत्यता को प्रदान करना, ये संतों का काम है। राजनीति में आकर बैठना या अच्छे कपड़े पहनकर भाई चुनाव लड़ लो, बहुत अच्छी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री व्यासपीठ पे से लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करते आ रहे हैं, है कि ना चाहिए? अब उनको पता नहीं, मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र गया का वो समाप्त हो तो राष्ट्र समाप्त कब हुआ? पूरे वर्ल्ड में इसको हिंदुस्तान कहलाया जाता है, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। जबरन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के, कुछ परसेंट लोगों को संतुष्ट करने के लिए इस तरह की बातें होती है बस।